जय हिंद जय भारत राम राम नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग और आपके जो साउंड सिस्टम का जो कार्य वो कैसा चल रहा है आप मेरा वीडियो कौन से शहर कौन से गांव कौन से राज्य से देख रहे हो कमेंट करके ज़रूर बताएं आपके साउंड सिस्टम का क्या नाम है आप उसका भी मुझे कमेंट जरूर करें दोस्तों काफ़ी बार मैं देखता हूँ कि आप लोगों के मेरे पास ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं जो मतलब उनको देखा जाए तो वो एक बहुत ही बड़ा एक सीरियस पार्ट है साउंड सिस्टम का आप मुझे कमेंट करते हो कि सर हम जब अपना एक डीजे सेटअप करते हैं जब हम अपना एक लाइव प्रोग्राम्स के अंदर सेटअप करते हैं तो हमारे सब में से हमारे बेस में से जब हम उसके पीछे जाते तो हमको फ्रीक्वेंसी उसका आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है पर हम जब फ्रंट में जाते तो हमको बिल्कुल भी बेस अच्छा नहीं लगता ना अच्छा सुनाई देता है आगे फ्रंट में बिल्कुल भी ज़्यादा बेस नहीं आता ऐसा लगता है बेस भज ही नहीं रहा जब हम टॉप लगाते हैं फ्रंट के टॉप लगाते हैं तो टॉप में से जो फ्रिक्वेंसी आती है जिसको हम तीन पार्ट में डिवाइडेशन कर सकते हैं एक होता है एच एफ एक होता है एम एफ एक होता है एल एफ तो कभी उसमें से एच एफ ज़्यादा आ रहा है कभी उसमें से एम एफ ज़्यादा आ रहा है कभी उसमें से एल एफ ज़्यादा आ रहा है और कभी फ्रिक्वेंसी इतनी आउट हो जाती है कि कुछ समझ भी आ रहा है कि सिंगर क्या गा रहा है या डीजे में से कौन सा गाना क्या बज रहा है या फिर जब हम लाइनडर लगाते हैं तो लाइनरे के जब हम पास में खड़े होते हैं तो उसको कान में आवाज़ बहुत ज़्यादा हमने को चुभने लगती है लाइनरे में से जब दूर जाते हैं तो आवाज़ पचास फीट के बाद में सत्तर फीट के बाद में बिल्कुल भी सुनाई नहीं देती ऐसा लग रहा है कि कुछ कचरा हो रहा है तो कहने मतलब ये सारे कमेंट्स आप मेरे को काफ़ी सारे मेरे वीडियोज़ पर करते हो तो मैं बता दूँ दो दोस्तों उसके पीछे एक ही रीज़न होता है वो होता है क्रॉस आज के टाइम में बहुत सारे एक एक्टिव क्रॉसओवर ओवर आते थे तो पहले तो कुछ कंपनी में लिमिटेशन था जैसे बैरेंजर्स के आते थे और दुनिया भर के क्रॉसओवर इसके बिगे थे जो था सी एक्स तेईस दस या सी एक्स चौतीस सौ हर एक साउंड वाले के पास में ऐसा क्रॉसओवर देखने को मिल जाता था पर आज के टाइम में आप डी का इस तरह का क्रॉस देखते हो ये डीबीएक्स का नहीं है ये क्यूड्यू ऑडियो का है सेम ऐसा मॉडल डीबीएक्स में भी आता है डी बी एक्स ने सबसे पहले निकाला था जो दो सौ चौंतीस एक्सेस नाम से आता है वो आप समझ सकते हो पर आज के टाइम में हर एक कंपनी इस तरह का क्रॉस ओवर बनाती है अपने अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग तो सबका अपना अपना बजट रहता है कोई पाँच हज़ार में देता है कोई आठ हजार में देता है कोई दस हज़ार में देता है कोई बारह हजार में देता है तो मैं आपको बता दू तो यहाँ पे अपने को कंपनी से कोई मतलब नहीं यहाँ पे ये यह मतलब है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको मैं सॉल्यूशन आज आपको दूंगा तो जब आपके क्रॉस ओवर में से आपके स्पीकर में आवाज़ सही नहीं जाती या फिर आप क्रॉस ओवर यूज़ ही नहीं करते तो ये सब प्रॉब्लम्स रहती है आपके स्पीकर मैनेजमेंट का कि आपके एम्पलीफायर मिक्सर लगाने के बाद में सही आवाज़ आपको सुनाई नहीं देती जब आप एक अपना डीजे सेटअप करते हो आप चार टॉप दो बेस या चार टॉप चार सब या आठ लाइनें लगाते हो तो आवाज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती कभी आपको एच हाई फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा सुनाई देती है कभी आपको एम बहुत ज़्यादा सुनाई देती है कभी आपको एल बहुत ज़्यादा सुनाई देता है तो कुछ मिला के एक स्पीकर के में से जो आवाज़ आनी चाहिए क्लियर वो आपको सुनाई नहीं देती तो मैं आपको बता दूँ गाइज अगर आज के टाइम में अगर आप क्रॉस यूज नहीं कर रहे तो आपको क्रॉस जरूर खरीदना है मैं कंपनी का आपको यहाँ पर नहीं बोलूंगा जो आपके बजट में वो आप क्रॉस खरीद लीजिए पर वो ऐसा होना चाहिए जिसको हम स्टीरियो टू वे थ्री वे या फिर मोनो फोर वे बोलते हो जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि हर एक स्पीकर में ऐसे तीन तरह की फ्रीक्वेंसी निकलती है एच एफ एम एफ एल एफ हाई फ्रीक्वेंसी मिड फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी उसमें भी बहुत सारे पार्ट होते हैं जैसे आप सेटिंग कर सकते हो लो मिड फ्रीक्वेंसी मिड हाई फ्रीक्वेंसी सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी तो ये सिर्फ चीज़ आपको जब समझ में आएगी जब आप एक क्रॉस का यूज़ करोगे अगर और अगर आप कर रहे हो तो आप आज सेटिंग सीख लीजिए कि आपको सेटिंग कैसे करना है क्रॉस के स्पीकर के साथ में एम्पलीफर के साथ में ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन आज, आज आपको इस वीडियो में मिल जाए तो दोस्तों ज़्यादा वक्त नहीं ले स्टार्ट करता आज का वीडियो मैं हूँ आपका दोस्त डी जे संजय जोशी लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो गायज फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ कि क्रॉस ओवर के अंदर दो चैनल रहते हैं चैनल वन और चैनल टू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वॉल्यूम नोप गेन वॉल्यूम नोप गेन दोनों तरफ आपको सेम देखने को मिलता है उसी तरह आपको पीछे से आउटपुट भी सेम देखने को मिलता है आप जब भी एक अपना डीजे सेटअप करते हो या लाइव सेटअप करते हो तो आपका सेटअप स्टीरियो टू वे में चलता है स्टीरियो थ्री वे में चलता है और मोनो फोर वे में चलता है पर आपको पता नहीं रहता कि वो सेटअप आपको कैसे करना है आज मैं आपको स्टीरियो टू वे की सेटिंग बताऊंगा नेक्स्ट जो स्टीरियो थ्री वे और मोनो मोनोफोर वे वो हम आगे वीडियो लेके आएंगे तो स्टीरियो टू वे के अंदर आप क्या रन करवा सकते हो आप अपने टॉप बेस चला सकते हो आप अपने लाइन नहीं रहे और बेस चला सकते हो तो दोनों ऑप्शन आपके पास में रहता है और उसके अलावा आपको अगर टॉप लाइन रे और बेस चलाना है तो वो स्टीज़ थ्री वे के अंदर उसकी बहुत बेटर सेटिंग रहती है पर टू वे के अंदर भी अगर आपको तीनों चलाना है तो मैं भी आपको अभी इस वीडियो में बता दूंगा गाय जो आपको सबसे पहला इनपुट दिख रहा है दोनों तरफ ये इनपुट गेन है इनपुट वॉल्यूम है जिसको आप सेंटर में सेंटर से ऊपर जीरो डीबी से ऊपर कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है और गई जो सेकंड नंबर वॉल्यूम नोप्स है ये गेन नोपस एक्स और फ्रीक्वेंसी का है यहाँ पे आपको 45, 70, 140, वन फोर्टी टू फोर्टी आपको 45 से लेके 140 के बीच में आपको अपना बेस लगाना है आप अगर स्टीरियो चला रहे हो आप दो सब चला रहे हो तो एक आप यहाँ से लोगे और एक आप यहाँ से लोगे एक्स और फ्रिक्वेंसी में इसकी सेटिंग से रहेगी तो अगर आप स्टीरियो टू वे के अंदर अगर आप इसको 70 या 70 से कम रखते हो तो इसके अंदर से आपको वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा सुनाई मिलेगा आपके बेस के अंदर जब आप बोलते हो कि सर पीछे बहुत ज़्यादा बेस आता है तो उसी का कारण है कि आपको क्रॉसओवर की सेटिंग सही से नहीं आती या आप फिर आप क्रॉस ओवर यूज ही नहीं कर रहे होंगे और अगर आप 70 से बढ़ा के 80 या 120 तक लेके जाओगे मतलब 140 तक भी लेके जाओगे उससे ऊपर नहीं तो यहाँ से यहाँ तक की फ्रीक्वेंसी दोस्तों आपको वाइब्रेशन के साथ में पंच भी देगी तो कहने का मतलब आपको किक भी देखने को मिलेगा जो बहुत शानदार रहेगा आपके सब के लिए और ऐसा सेटिंग आप अपने लाइव प्रोग्राम्स और डीजे दोनों में कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है और अगर मैं थर्ड नंबर वॉल्यूम नोब्स की बात करूं तो दोस्तों ये और ये दोनों तरफ ये स्टीरियो थ्री वे में काम आता है तो अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे तो आपने जब एक बेस लगाया है तो वो आपको इस वाले आउटपुट से लेना है और इस वाले आउटपुट से लेना है तो यहां दोनों से आपको बेस का आउटपुट लेना है बेस का पीछे इसमें इनपुट करना है आपको और इसका जो वॉल्यूम नोब है गेन है वो आपको जीरो तक रखना है जीरो डीबी तक तो ऐसा करने पर आपकी बेस सबकी सेटिंग हो जाएगी अब हम, हम बात करते हैं आपको लाइन एरे चलाने हैं तो जो 140 से ऊपर जो फ्रीक्वेंसी जा रही है 240, 350, 680, वो दोस्तों लास्ट 960 तक जा रही है तो ये इस हज़ तक काम करती है फोर्टी फाइव से लेकर नाइन सिक्सटी तक काम करती है ये फ्रीकुन्सी तो जो वन से ऊपर की है और नाइन तक है ये फ्रीकुन्सी आपकी चली जाएगी टॉप के अंदर या लाइन एरे के अंदर आपने अगर टॉप लगाया है हाई आउटपुट में से क्योंकि ये दोनों तो काम आएंगे नीरो टू वे में तो अगर आपने हाई आउटपुट में से टॉप लगाया है तो आपको भी इसको जीरो तक या उससे ऊपर नीचे आप कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है तो आपने सपोज़ दो टॉप इधर चला दिए दो टॉप इधर चला दिया या एक टॉप इधर एक टॉप इधर चला दिया तो स्टीरियो सेटिंग हो जाएगी पूरे आपके साउंड के अंदर मतलब सपोज आपने दो एम्पलीफायर लगाए एक टॉप के लिए और एक सब के लिए दोनों एम्पलीफायर फोर रूम्स पे रन हो रहे तो एक बेस इधर एक बेस इधर आ गया एक टॉप इधर आ गया एक टॉप इधर आ गया नहीं तो आपको सपोज चार सब चलाने हैं तो आपने एम्पलीफायर को आपस में कनेक्ट कर दिया पैरेलल करके कि आपने एक जगह में इनपुट करके दूसरा आउटपुट वहाँ से उठा के फिर एम्पलीफायर में इनपुट कर दिया तो मतलब आपने एक चैनल से सौ दो सब चला लिए और एक चैनल से भी आपने दो सब बेस चला लिए मतलब टोटल चार आपके बेस रन हो गए लो में से वैसे आप और कनेक्ट करके छः भी चला सकते हो पर आपको ये ध्यान में रखना कि आपको स्टीरियो सेटिंग ही रखना है उसके अंदर जब आप डीजे सेटअप करते हो या लाइव प्रोग्राम्स में सेटअप करते हो और सपोज आपको चार टॉप चलाने तो दो टॉप इधर से चल गए दो टॉप आपके इधर से चल गए जो आपके बेस में आवाज आएगी वो आपको कैसी सुनाई देगी और जो आपके लाइन एरिया या टॉप के अंदर जो आवाज़ आएगी वो भी मैं आपको डेमो के माध्यम से बता दूंगा कि वो आपको कैसी सुनाई देगी तो दोस्तों ये जो आपको आउटपुट दिख रहा है ये टॉप लाइन एरिया के हो गए और ये सब के हो गए बहुत इजी सेटिंग एस टी डो टू वे की थ्री वे की और मोनो फोर वे की सेटिंग हम आगे वीडियो में बात करेंगे जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे दो इनपुट सेक्शन हो गया और दो स्टीरियो के अंदर आपको आउटपुट मिल गया अब आप इसको सोचते हो कि मैं ज़्यादा बढ़ा दूँ तो आप जिसको जैसे जैसे ज़्यादा बढ़ाओगे तो वैसे आपके बेस के अंदर में से मिड भी आना स्टार्ट हो जाएगा अभी तो आपको लो सुनाई दे रहा था लो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा धीरे धीरे आप जैसे देख सो तो लो मिड यहाँ पर लिखा हुआ है तो फिर आप जिसको ज़्यादा जितना बढ़ाओगे तो उतना मिड आपके लाइन एरे टॉप में भी बढ़ता जाएगा और बेस के अंदर भी बढ़ता जाएगा तो ये चीज़ आपको समझने की है कि अगर आप स्टीरियो टू की सेटिंग करते हो इसको 140 140 से नीचे आप रख सकते हो तब आपको लो फ्रिक्वेंसी भी बहुत अच्छी सुनाई देगी और हाई फ्रिक्वेंसी भी आपको बहुत अच्छी सुनाई देगी आप जब लाइने लगाते हो तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी दोस्तों कि आपने सबोज चार लाइन एरे लगाए हैं या छः लगाए हैं या आठ लगाए हैं तो अगर आपने उनको एक साथ रखा है या थोड़ा सा बीच में आपने जगह देखी दो पार्ट में उसको डिवाइड किया है एक लाइव शो के अंदर या फिर एक डीजे के अंदर तो आपने चार लाइनरे यहाँ से ले लिया एम्पलीफायर में और चार लाइनरे आपने यहाँ से ले लिया एम्पलीफायर के अंदर तो आपके लाइन एरे के अंदर जो आपने फ्रिक्वेंसी वन फोर्टी तक किया है तो वो मिड और हाई दोनों एक जितने जाएगा जो यहाँ से निकल रहा है अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा क्योंकि आप अभी स्टीडियो टू वे पे चला रहे हो जब आप इसको मोनो फोर वे पे या स्टीरियो थ्री वे पे चलाओगे तब आप इसको और ही अच्छे रूप में डिवाइड कर सकते हो आप अपने लाइन एर के स्पीकर के अंदर जो सिर्फ स्पीकर है चाहे वो नियोडियम मैग्नेट में है या फेराट मैग्नेट में है तो उसके अंदर आपको सिर्फ मिड डालना है तो आप मिड डाल सकते हो यहाँ से और आपको एच के अंदर एच डालना है मतलब सिर्फ आप चाहते हो कि आपके एच में से सिर्फ एच ही सुनाई दे हाई फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी सुनाई दे तो वो डिस्ट्रीब्यूट आप क्रॉस के माध्यम से भी कर सकते हो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ स्टीडियो टू वे में दोस्तों सिर्फ लो और हाई मिलता है आपको मिड हाई और अगर आप स्टीरियो थ्री वे की बात करते हो तो आपको लो मिड हाई मिलता है और आप अगर मोनो फोर वे की बात करते हो तो आपको लो लो मिड और मिड हाई और हाई ये चार चीज़ आपको देखने को मिलती है एक क्रॉस के अंदर जब आप एक क्रॉस की सेटिंग अपने एम्पलीफायर के साथ में करते हो गायज अगर हम इसके बैक पैनल की बात करें तो यहाँ पे आपको इसका इनपुट सेक्शन देखने को मिल जाएगा यहां पे जैसे मैंने आपको बताया दो इनपुट आपको देखने को मिलते हैं जो आप मिक्सर लगाओगे तो मिक्सर से आपको आउटपुट लेके आने तो एक इनपुट आपको पे पे करना करना है है एक इनपुट आपको अगर आपको एक ही चैनल यूज में करना तो आप एक कर लीजिए आपको आपको दोनों तो दोनों तो दोनों करना के लिए बट करोगे तभी स्टीरियो टू वे बनेगा और बहुत अच्छी सेटिंग रहेगी आपके एम्पलीफायर मिक्सर और क्रॉस की तो सबसे पहले आपको इनपुट ऐसे करना है एक चैनल का इनपुट हो गया उसी तरह ये दोस्तों आपके दूसरे चैनल का इनपुट हो गया और ये दोनों इनपुट करने के बाद में आपको जैसे मैंने बताया स्टीरियो के अंदर आपका एक हाई काम आएगा और एक लो काम आएगा तो इन दोनों को दोस्तों आपको कैसे यूज करना मैं बता देता हूं आपको लो के अंदर आपको अपना सब लगाना है बेस लगाना है तो एक बेस आपका यहां पे लग जाएगा और सेम इसी तरीके से एक बेस आपका यहां लग जाएगा उसके बाद में मैंने आपको बताया कि या तो आपको टॉप रन करने हैं या फिर आपको लाइन एरे रन करने हैं तो वो भी बहुत इजी पार्ट है हाइक के अंदर आपका एक लग जाएगा इस तरफ वन चैनल में और टू में इधर लग जाएगा तो स्टूडियो टू वे की सेटिंग दोस्तों बहुत ईजी है और जो स्टूडियो थ्री वे उसमें ये वाला और ये वाला काम आएगा वो मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा और जो यहाँ पे आप देख रहे हो दोस्तों एक बार मैं इनको हटा देता हूँ जो आप यहाँ पे ये जो स्विच देख रहे हो ये अगर दोनों बाहर रहेंगे तो ये स्टीरियो थ्री वे पे वर्क करेगा अगर ये सिर्फ एक अंदर रहेगा तो ये स्टीरियो टू वे पे वर्क करेगा आप देख सकते हो तो लिखा हुआ है और अगर ये बाहर रहेगा और ये अंदर रहेगा तो फिर ये मोनो फोर वे पे वर्क करेगा जो बहुत ज्यादा ईजी रहने वाला है तो अपने को स्टीरियो टू वे पे करना है तो आपको इसको अंदर रखना पड़ेगा गाइस जो आपको ये वाला स्विच दिख रहा है ये अगर बाहर रहेगा तो जो नॉर्मल सेटिंग रहती है आपके क्रॉस में वही रहेगी अगर आप इसको अंदर प्रेस कर दोगे तो आपके सेकेंड नंबर चैनल का जो एल फ्रीक्वेंसी आती है जहाँ से आपको सब लगाना है बेस लगाना है तो वो आपको मोनो मोनोफोरवे के अंदर वहाँ पे नहीं लगाना मोनो मोनोफोरवे में अलग यूज होता है वो आपके एक नंबर चैनल में यूज़ होता है तो वहाँ की जो पावर है सारी वो इसके अंदर आ जाएगी फर्स्ट नंबर चैनल के इनपुट के एल के इनपुट के अंदर तो उसका यूज़ वहाँ पे होता है स्टूडियो टू में इसको बाहर ही रखना है आपको और जो आपको एक्स और फ्रीक्वेंसी का स्विच दिख रहा है ये आपको जब यूज करना है जब आपको सिर्फ क्रॉस ओवर के ऊपर आपको सिर्फ टॉप चलाना है या लाइन एरे है या मिड चलाना है अदरवाइज आपको इसको मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप इसको बाहर ही रखिए पीछे से इसका इतना ही सेटिंग है और कोई विशेष नहीं है और यहाँ पे और यहाँ पे आपको लिक लो कट का स्विच देखने को मिलेगा इसका यूज आपके लाइव प्रोग्राम से बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा जब आप एक माइक्रोफोन का यूज करते हो तो आपको हमिंग सुनाई देती है या फिर कोई मतलब डिस्टोरसन वाली आवाज़ आपको सुनाई देती है जो लो फ्रीक्वेंसी में होती है तो फोर्टी से जो नीचे वाली जो भी फ्रीक्वेंसी रहेगी चाहे वो हमें तो वो तो अगर ये अंदर प्रेस रहेगा तो ये उसको कट कर देगा तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज वाला वीडियो पसंद आया अगर वीडियो पसंद वीडियो, पसंद, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए और अगर आपको उसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए स्टील और थ्री वे सेटिंग का विद लाइव डेमो जहां पे मैं अपना एक बेस लगाऊँ एक टॉप लगाऊँ लाइन रे एक खुले ग्राउंड के अंदर और आपको हर एक एम्पलीफायर में कनेक्शन करके बताऊं कि कैसे कनेक्शन करना है कैसे आपको अपना मिक्सर लगाना है तो उसका भी आप मुझे कमेंट जरूर करें वेरी सुन वो भी मैं वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा तो बस आज के वीडियो में इतना ही मैं हूँ आपका दोस्त डीजे संजय जोशी अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए और साउंड वाले भाई के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आप सभी को पता इस तरह मैं साउंड के बारे में जानकारी देता हूँ मैं हूँ आपका दोस्त डीजे संजय जोशी जय हिंद जय भरत राम राम नमस्कार धन्यवाद